वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व से खुश कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां बाघ तेंदुए के अलावा हाथियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व की दो हथनियों मोहनकली और कृष्णाकली ने बच्चों को जन्म दिया है। इससे पन्ना टाइगर रिजर्व में अब हाथियों का कुनबा बढ़ गया है। यहां अब हाथियों की संख्या 16 से बढ़कर 18 हो गई है। दोनों ही नन्हे हाथी पूरे तरीके से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। फील्ड डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों का बड़ा महत्व रहता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को हाथियों पर सवारी कराकर रिजर्व क्षेत्र में घुमाया जाता है। इसके साथ ही कई बार बाघों के ट्रंकलाइजेशन करने और रेस्क्यू करने में इन हाथियों की सहायता ली जाती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान में हमारे पास 18 हाथी है और कल कृष्णकली ने एक फीमेल हाथी को जन्म दिया था और आज मोहनकली ने एक मेल, मतलब उसका जो बच्चा है वो मेल है। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 18 हाथी हो गए हैं। हाथियों का टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि हाथी के बिना, जैसे कली का रेस्क्यू ऑपरेशन था, 6 हाथियों की आवश्यकता पड़ी हमें एक टाइगर को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में, और उसको रिहायशी क्षेत्र से वन क्षेत्र में छोड़ने के लिए। तो टाइगर के ट्रैकिंग के लिए यदि कोई टाइगर घायल हो जाता है तो ये हमें ट्रैकिंग करना पड़ता है, उसे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ घायल है, उसको देखना पड़ता है, उसका इलाज करना पड़ता है, उसके लिए भी हाथियों की आवश्यकता पड़ती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।